फिर ये कहती सी बारे मेरे, क्यों तो दोस्तों दिवाली भी आके चली गई, शिरोडमी। अब भाई तो दोस्तों सर्दियां आती हुई और हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें लग गई थोड़ी भूख, और देखते हैं कुछ स्नैक्स एंड ऑल खाने मिले हैं अगर। तुम बड़े भूखे किस्म के प्राणी हो। दोस्तों हम आए हैं 21 सेक्टर कुछ खाने पीने का सामान लेने, थोड़ी रोज़मर्रा का। और दोस्तों ये देखिए, ये आज भी पाए जाते हैं, मैं तो इन्हें भूल। ये देखिए पुराने ज़माने का व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, देख रहे हैं दोस्तों। तो हम आ चुके हैं हाइव सुपरमार्केट। तो मैं ले रहा हूँ मेलोन, थोड़ा न्यू ट्राई करते हैं आज। तो हम रुके हैं वेरका बूथ कुछ डायरी प्रोडक्ट्स लेने। तो दोस्तों चंडीगढ़ की मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है कि हर सेक्टर में जो है, हर सेक्टर के एरिया में ना एक वेरका बूथ होता है। जैसे आप इसके पीछे देख रहे होंगे ये रहा, तो जो डेली का सामान है, जो छोटा मोटा सामान है, उसके लिए मेन मार्केट नहीं जाना पड़ता, वो आसपास ही आपको मिल जाता है, वो हर सेक्टर में होगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट चंडीगढ़। अच्छा मगर डिक्की होनी है। तो ये जाता है सामान थोड़ा वेरका से, इसकी दरअसल कल खीर बनेगी, खीर के लिए सामान जा रहा है भाई, दूध। तो जैसा कि दोस्तों कल था दिवाली का माहौल और मैंने आपको बताया था कि कुछ मेट्स का फोन आ रहा कुछ मेट्स का फोन आया था, ये टूर बनाने के लिए कह रहे थे गोवा का। तो बना कुछ प्लान इस विंटर्स? यार हम तो बना रहे हैं नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक? यार नेक्स्ट वीक कुछ जल्दी नहीं है यार, मेरे को थोड़े काम हैं। काम तो होते रहते हैं भाई, काम तो कभी खत्म होते ही नहीं। थोड़ी मीट सिलसिले हैं ना संगीत के, और संगीत के सिलसिले वही होंगे, बीच पे बैठ के संगीत के सिलसिले करना मजा ही मजा है। क्यों उसका मैं देखता हूँ। चलो चल साली नंदी, जिंदगी जीनी है, तुम ही रह के जाने दे। मैं जीनी जिंदगी यारा गैल दोबारा। अगेन वी आर ऑन द 17 रूट। दोस्तों ये हाई कोर्ट रोड जो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि बहुत ही खुली और सीधी जाती है, एकदम रेस ट्रैक की तरह। दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूँ, हमें इस वक्त 15 में और देखिए KFC खुल चुका है 15 में, लेकिन आप देख सकते हैं अभी दिवाली का जो है माहौल उस वजह से ना ज़्यादा भीड़ नहीं है मार्केट में। देखिए थोड़ा सन्नाटा, थोड़ा खाली, क्योंकि क्योंकि वहाँ सब अपने घर गए हुए हैं ना। या मेट्स बता रहे हैं सब अपने घर गए हुए हैं, गए हुए हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं आप इस घर के डिज़ाइन, ये सबसे पहले जब चंडीगढ़ में घर बनते थे उसी डिज़ाइन के होते थे। दोस्तों इस टाइप के घर देखिए, ये वाले, ये सेम डिज़ाइन होता था, जैसे आपको शिमला में दिखेंगे जैसे ब्रिटिशर्स ने बनाए थे सेम डिज़ाइन के, ऐसे ऐसे बनते थे। पर आजकल कोठियां पड़ने लग गई हैं, अब नए बाहर का भी आ गए हैं रिवाज, कई कुछ हैं, तो यू नो।
उसको बोलियो भाई मेरे को डिस्पोजेबल में दे दे अपने कुल्लड़ अपने पास रख साले चाहे तब लूंगा जब डिस्पोजेबल में देगा। क्यों कुल्लड़ में नहीं पसंद तुझे? ना क्यों? इतना गंदा टेस्ट आता है साला है? और मिट्टी का आता है, मिट्टी का आता है बड़ा गंदा। शायद अब कुल्लड़ ठीक हो गए। नहीं हुए भाई, ये पता क्या करते हैं ये साले ना, कुल्लड़ को पानी से निकालते हैं। अच्छा, चाय देने से पहले जब तू पानी से निकाल देगा ना तो उसमें जो मिट्टी होगी ना गीली हो जाएगी और वो चाय में आ जाता है टेस्ट। अच्छा, पूछ लियो अगर ऑप्शन आया नहीं है तो फिर ले आइयो। ऑप्शन होगी तो डिस्पोजेबल ले आऊंगा तेरे को। हाँ मेरे को है ना। कौन सी बताई तूने? तुलसी, तुलसी वाली, तुलसी ग्रीन्स, तुलसी वाली तुलसी ये ले आइयो। हाँ तुलसी ले आइयो। ठीक है, तो दोस्तों हम आए हैं यहाँ पे चाय सुट्टा बार। ये जो फ्रेंचाइजी है चाय सुट्टा बार की, जो जिस लड़के ने काफी एम्पायर खड़ा किया अभी हमने सुना था उसके बारे में। वैम्पायर? तो एम्पायर। तो मैं तो देखता हूँ इलायची वाली पीऊँ या फिर क्या रोज फ्लेवर पीऊँ। तो लविंग एलिमेंट जी तो कह रहे हैं तुलसी वाली पियेंगे। तुलसी वाली पियेंगे भाई, क्योंकि उससे कुछ फायदा, तुलसी में कुछ फायदा है? फायदा नहीं, मतलब वैसे ही यार तुलसी अच्छा प्लांट है तो चलो। मतलब क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है तुलसी। तभी तो मेश, तुलसी वाली तो नहीं है, कह रहे हैं रोज हो जाएगी, इलायची हो जाएगी। क्यों तुलसी महंगी है इसलिए? अरे तू वहीं से पूछ ले। अच्छा चल चल छोड़, यह पूछ यहीं से पूछ। अच्छा कौन सी है? इलायची, रोज, इलायची, अदरक, रोज अदरक और चॉकलेट। चॉकलेट पागल है, चॉकलेट चाहे कौन सी है? सच में नहीं है, पूछ ले। मसाला भी नहीं है? खुद आ जा। नहीं मसाला है? मसाला शायद हो, पता नहीं मेरे को। तो दोस्तों जैसा कि इलायची वाली ये तुलसी वाली चाय तो हमें नहीं मिली, ये सोच रहे थे मैं महंगी करके नहीं दे रहा इन्हें, पर ऐसा है कि सच में ही नहीं है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि ये रोज़ वाली ले लूँ या तो मसाला टी इन्होंने बोली है, मैं देखता हूँ। देर इज़ नो मसाला टी, मसाला टी भी नहीं है। अब देखते कौन सी पूछते हैं भाई। मसाला टी भी नहीं है यार, कौन सी चाय है भाई? इलायची, रोज, अदरक, चॉकलेट। अबे रोज क्या, वैलेंटाइन डे थोड़ा है, रोज चाय पियेंगे? इलायची पी सकते हो भाई, इलायची भी हर्ब है काफ़ी अच्छी। तो भाई अब एंड में डिसाइड हुआ है कि इलायची चाय पियेंगे। मैसेज आएगा तो मेट, ये रही चाय आपकी। यार इससे छोटे कप नहीं थे, किसी बच्चे को देनी है, चम्मच में ले आता इससे अच्छा। अरे पोलियो ड्रॉप्स थोड़े नहीं है, चाय है इससे ज्यादा तो मेरे को वैक्सीन ही लगी है। चीयर्स मेट। डिस्पोजेबल नहीं। तो दोस्तों हम एंजॉय करने लगे हैं अपनी इलायची चाय। तेरी भी इलायची है? मैं तो इलायची बोली थी पहले भी। अच्छा, तू पहले चॉकलेट वाली पीता है ना? चॉकलेट में क्या डालते हैं? चॉकलेट ठंडी चाय लाया तो। अरे ये छोटा कप है ना, जल्दी ठंडी होती है तो जल्दी पीनी पड़ती है, शॉट्स की तरह। कढ़ाई में लिया फिर उसमें? पाजी से मिला हमें कल, वो कह रहे थे कि भाई तुझे लेके जाना है। कहाँ? वहाँ अश्वनी खड्ड, अश्वनी घाट की अश्वनी खड्ड है जगह, एक साधुपुर से आगे चायल से पीछे थोड़ा, उसमें झरना बनता है और अच्छा वहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। अश्वनी खड्ड। अच्छा अच्छा, छोटे का पहना थोड़े। देख मेरी उंगली बड़ी है इससे, इससे बड़ा तो कफ सिरप पी जाते हैं बच्चे आजकल। सही बात है। दोस्तों आप कुल्लड़ की भीड़ से पता लगा सकते हैं कि चाय पीने का यहाँ कितना क्रेज है कुल्लड़ में। हर जगह जहाँ देखो कुल्लड़ ही कुल्लड़ होते हैं मिट्टी के, जैसे उधर तक। ये देखिए सर्कल्स में घूमती हुई लाइटें,
कमिंग सून ऑफ एयर। तो दोस्तों हम आए हैं इस वक्त मैकडोनल्ड एंड फैट बर्गर, और यहाँ देखें तो अंकल जैक्स, और ये रहा अपना पेडलर्स। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या किया जाए। क्यों? और भाई टेंशन हो रही कहीं दूध ना फट जाए, पर इतनी गर्मी तो अब नहीं है, सर्दियाँ आ गई है, अब दूध फटने की टेंशन नहीं है। ये रहे रॉके प्रोडक्ट्स गाइस, जो मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली, उनमें से भी मैंने मिक्स फ्रूट लिया है। और ये 799 का, ये 2500 का गिफ्ट देने को सही था यार। ये गेम है ना वैसे तो, कैसी है कैसी, इनो मतलब खुद से नहीं खेल भी सकते हैं खुद। ये देखो गेम है पूरी, ताश ही है गेम क्या। ये ले लेते हैं तो जब गोवा जाएंगे फिर खेल लेंगे, ठीक है। इनके भी अपने ताश हैं। तो देखिए दोस्तों कैसीनो लेते हुए, ड्रिंक अपनाओ सही है वादे। तो दोस्तों हमारी शॉपिंग हो चुकी है 24/7 से, घर जाके दिखाएंगे उल्लू चलिया या। तो लगभग दिवाली भी ख़त्म ही हो चुकी है और शॉपिंग भी हो गई है। तो दोस्तों सामान आ चुका है, थोड़ा भीड़ तो कम ही थी क्योंकि दिवाली पे सब गए हुए हैं भैया दूज के लिए, यू नो बिजी हैं लोग। और हम पहुंच चुके हैं और रात को कोई मूवी देखते हैं या कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। तो मेट्स ऐसा है कि हम आ चुके हैं अब घर पे, थोड़ा नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कुछ। नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो आपको बताते हैं थोड़ा, हमने वेलनेस के लिए ये लिया है रियल का वेलनेस जामुन पल्प, और आपको बता देंगे इसको ब्लैक प्लम भी कहते हैं, और ये समर्स का वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट है और हेल्थ बेनिफिट काफ़ी हैं इसके। एंड देख रहे हैं आप 100% जूस कंटेंट, नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स, यू नो व्हाट आई मीन। And let's see what we have here. ये आपने सेलेक्ट करा था, मे बी क्रिप्स क्रंची स्नैक है कुछ टाइप। ये दरअसल मैंने इसके देखे नहीं क्यों है, पर इनको पता होगा ये। ये दरअसल काफी कंपनीज के आते हैं ये डाइट चिप्स, पर वो ज्यादा हेल्दी नहीं होते। अच्छा, इसमें क्या है ये देखिए, 100% वेजिटेरियन, नो कोलेस्ट्रॉल, नो एडेड MSG, नो आर्टिफिशियल कलर एंड फ्री फ्रॉम एनी ट्रांस फैट। तो इस कंपनी का काफी अच्छा है, तो बाकी ट्राई करके बताएंगे आज। बाकी ये देख लें, एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। एंड जो मैंने आपको पहले बताया था योगा बार के, ये है डार्क चॉकलेट की कैंडी सी। अब मेट्स आपको दिखाते हैं एक नई चीज, अब आपको दिखाते हैं एक नई चीज जो हम लाए हैं, क्योंकि हमें भी वो कुछ नई लगी अतरंगी सी। हम दरअसल गाइस पेप्सी पी के ना परेशान हो गए थे। अच्छा, अब वो पेप्सी में पेप्सी मजा नहीं है जो पहले था। अब आपने नोटिस किया होगा काफी मिठी सी हो गई है ना, उसमें फिज है ना कुछ है। तो दिखाएं मेट्स, इसलिए हम ये लाए हैं मसल ब्लेज का, इसमें 10 ग्राम प्रोटीन भी है और ये फिजी भी ड्रिंक है और नो प्रिजर्वेटिव कुछ इसमें, नो प्रिजर्वेटिव है और इसमें देखिए कोला फ्लेवर है। तो ट्राई करके इसको आपको बताएंगे कि कैसा है इसका टेस्ट। और इसकी मैं आपको एक अलग बात दिखाता हूँ, इसमें लिखा है नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स,
और कोला फ्लेवर है, तो मतलब कुछ रियल कोला इसमें इस टाइप का है, चिनवाड़ा मीन। तो ये हो गए हमारे आज के प्रोडक्ट्स। Enjoy it and stay tuned for more vlogs.